भारत में अलग अलग संस्कृति है लेकिन फिर भी एकता छलकती है क्योंकि भारतवासी एक दूसरे की संस्कृति को अपनाते हैं और खूब आनंद भी उठाते हैं। चाहे वह पंजाब का भांगड़ा हो या फिर गुजरात का डांडिया, सभी बेहद पसंद करते हैं। सोलन की महिलाओं ने भी नवरात्रों के उपलक्ष्य पर गुजरात की तर्ज पर डांडिया पर जमकर धमाल मचाया और खूब आनंद किया। इस मौके पर महिलाओं ने बताया कि वह देश की परंपराओं को जिंदा रखने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वह मिलकर हर त्योहार धूमधाम से मनाती हैं और आज भी उन्होंने नवरात्रों पर डांडिया का आयोजन किया जिसमें जिला की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि आज पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है और उनकी परंपराएं खत्म होती जा रही है, इसलिए उन्होंने परंपराओं को जिंदा रखने के लिए डांडिया का आयोजन किया जिसमें महिलाओं ने खूब आनंद लिया। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आज इस नवरात्रि संध्या पे हमने डांडिया का प्रोग्राम का आयोजन किया जिसमें कि हमारे सोलन शहर की 75 लेडीज ने बहुत ही सज धज के और खूब जोरों शोरों से इस डांडिया में भाग लिया, जिसमें इन्होंने डांडिया नृत्य किया। इसके साथ साथ उन्होंने कई कॉम्पिटिशन्स में भी भाग लिया, जैसे कि बेस्ट रैम वॉक, बेस्ट गुजराती कुड़ी, बेस्ट डांडिया गर्ल जैसे कॉम्पिटिशन में भाग ले करके उन्होंने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। और आज वो इस तरीके से इस हमारी देवभूमि पे उतरी हैं कि जैसे साक्षात ऐसे लग रहा है कि माता रानी का उन पे पूरा रंग चढ़ा हुआ है। तो इसके साथ ही मेरी साथी अंजू आपको कुछ इसी के बारे में, डांडिया के बारे में कुछ बताएंगी जो कि आज हमने आयोजन किया है। शुभ नवरात्रि। आज हमने यहाँ पे नवरात्रि का जो आयोजन करा है उसमें माता रानी का हमने गुणगान करा, माता की झांकी निकाली है और माता की बहुत अच्छी आरती सबने मिलकर गाई है। और यहाँ पे हमने माता रानी के जो नौ नरातों में हम भोजन करते हैं वही हमने इसमें दे रहे हैं। और हम इसी तरह हमेशा सांस्कृतिक कार्यक्रम करते आए हैं और हमें ऐसी इसी तरह का योगदान मिलता रहा तो हम आगे भी ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहेंगे और इसी तरह हम अपने कल्चर और अपने संस्कृति से जुड़े रहने की कोशिश जो हमें लगे हैं वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे।